अगर भगवान हर जगह है तो शैतान भी हर जगह है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवानी, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल शिवी टॉक्स पे। ये वीडियो मुझे बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट लगा, बहुत ज़्यादा, तब मैं बना रही हूँ। प्लीज़ कोई इसे जज मत कीजिएगा, पॉजिटिव वे से लीजिएगा जो मैं बताने जा रही हूँ। आजकल ट्रेंड में चल रहा है हॉरर चैलेंज, ब्लडी मैरी चैलेंज, एंजेला चैलेंज। सब 3 बजे उठते हैं, 3 बजे उठ के वीडियो शूट कर रहे हैं। किन्हीं को सुनाई देती है आवाज़, किन्हीं को कुछ नहीं पता चलता है। लेकिन मैं आपको एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आप करके देखे हो ये चीज़ रियल में होती है? क्या आप कर सकते हो? हम लोग का काम है सोशल मीडिया पे आके आपको अच्छी नॉलेज देना, हर चीज़ से आपको अवेयर करना। हम लोग ये कभी नहीं करेंगे कि आप जाओ जाके 3 बजे ऐसी घटिया चैलेंजेस लो और करो और अपनी लाइफ को आप खतरे में डालो। हम कभी नहीं चाहेंगे। बी ए यूट्यूबर, हम लोग को कोई हक नहीं है किसी के लाइफ के साथ खिलवाड़ करने का। हम ऐसी वीडियो बनाएंगे, आपको इंटरेस्ट जगेगी, आप भी देखना चाहोगे कि सच में ये होता है कि नहीं, आप ट्राई करोगे। इन केस अगर ऐसी कोई भी घटना हो जाती है तो क्या हम रिस्क लेंगे आपकी लाइफ का? नहीं लेंगे ना। किसका जाएगा? जो भी जाएगा आपका जाएगा और किसी का नहीं जाने वाला है। सो प्लीज़ स्टॉप कीजिए इस टाइप की चैलेंजेस, जो बना रहे हैं वो भी स्टॉप कीजिए और जो देख रहे हैं प्लीज़ स्टॉप इट गाइस। ये सच्चाई नहीं है, ऐसी नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि हकीकत है तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। 3 बजे से हम लोग के इंडिया में कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त चलता है, रात के 3 बजे से सुबह 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त चलता है। उस वक्त आप गॉड से या यूनिवर्स से जो भी प्रे करते हो वो आपको मिलता है, जो भी प्रे करते हो। बड़े बड़े ऋषि मुनि, आज भी साइंटिस्ट, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स, फॉरेन कंट्रीज़ के भी लोग जो इन चीज़ों को मानते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हो या कोई भी टैरो रीडर हो या कोई भी स्पिरिचुअल लोग हो, इस टाइम का यूज़ करते हैं अच्छे कामों के लिए। इस टाइम पॉजिटिव एनर्जी हावी रहती है क्योंकि सारे नेगेटिव माइंड्स सो रहे होते हैं। ये टाइम होता है कुछ अचीव करने का और आप ऐसी घटिया वीडियोस देख रहे हो और सीख रहे हो। आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, बाय चांस अगर आपको कुछ दिख जाता है, आपके पीछे कुछ पड़ जाता है, तब आप क्या करोगे? कमेंट में इसे बताओ मुझे ज़रूर कि बाय चांस अगर आपके साथ कुछ घटना हो जाती है, आपके फैमिली के साथ कुछ घटना होने लगती है, तो आप क्या करोगे? आप ट्राई करना चाहोगे? अपनी फैमिली की लाइफ खतरे में डालना चाहोगे? ये हम सबको पता है, हम माने या ना माने, नेगेटिव एनर्जीज भी हमेशा होती है जैसे पॉजिटिव एनर्जी होती है। अगर भगवान हर जगह है तो शैतान भी हर जगह है। तो इसे प्रूफ करने का मुझे नहीं लगता है कोई ज़रूरत है। जिनके साथ ये सब हुई है, एंजेला चैलेंज और ये सब छोड़ दो, आपको पता होगा कि नॉर्मल इंडिया में भी बहुत ऐसी जगह है जो हॉन्टेड है। हुई होगी तभी हॉन्टेड प्लेस कहलाती है, लोग बेवकूफ तो नहीं है। तो आप एक बार खुद अपने दिमाग की यूज करके सोचो कि बाय चांस अगर आपके पीछे कुछ ऐसी एनर्जी पड़ जाती है तब आप बचोगे कैसे उससे। जिनके साथ हो चुका है, जिनको हॉन्टेड चीज़ें पता चली हैं, जिनके पीछे नेगेटिव एनर्जीज पड़ी हैं, उनसे पूछो जा। सॉरी अगर आप लोगों को मेरी किसी भी बात पे, कोई भी यूट्यूबर को मेरी कोई बात पे बुरी लगी, या फिर किसी उनके फैंस फॉलोअर्स को या मेरे ही सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को अगर ये बात बुरी लगी तो कोई बात नहीं, सॉरी कहती हूँ मैं। बट जो सही है मैं वो बोल रही हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, बाकी YouTube की मर्ज़ी, बाकी यूट्यूबर्स की मर्ज़ी। बट स्टॉप इट गाइज, स्टॉप इट। ये वीडियो यहीं तक, होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आई हो। तो प्लीज़ अब से अपने ऊपर केयर करें, अच्छी चीज़ों पे यूज़ करें। जो भी टाइमिंग के बारे में बताया जा रहा है उस टाइम पे आप उठ के कम से कम 1 वीक आप अच्छी चीज़ मांग के देखो यूनिवर्स से। अगर आपकी पूरी नहीं होती है तो बताना आप।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कितनी सारी वीडियोस बनी हुई है, स्पिरिचुअल लोगों की कितनी सारी वीडियोस है, जाके फॉलो करो कि 3 से 4 के बीच क्या होता है, तब वीडियो में आना और ऐसी चैलेंजेस घटिया बनाना प्लीज़।